हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बताइएगा आप सब कैसे हैं, एंड आप कैसे हैं राजपदन जी। बेटू भी मेरे ठीक है। और हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमी हाँ, शुम्मी करने, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमी शुम्मी करने। घूमी शुम्मी करके आते तोरी जी बेटू को घुमा के लाके आते। आपकी लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल है, देख रहे हो भाई। कैसे कलर मैंने हैंड में देखिए देखिए छूटा नहीं, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा गाइस। ये पक्की वाली लिपस्टिक है ना। हम दिखाते ब्लड, देखो मेरे हैंड में देखो। नहीं 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 ये ब्लड नहीं है, दिस इज लिपस्टिक। हे भगवान, लिपस्टिक को ब्लड बोल रहा है ये, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और एक्चुअली मार्केट इसलिए जा रहे हैं थोड़ा सा सामान भी लेना है, तो वो भी ले आएंगे। प्लस आरुष को, आरुष की मैम ने आज आरुष को चॉकलेट दिखा दी थी, ठीक है। कौन कौन सी, हाँ इनको पर्क दिखा दी थी और मंच दिखा दी थी, ठीक है। अब इनको मतलब जो घर पे डेरी मिल्क रखी हुई है, जैम रखे हुए हैं, लॉलीपॉप रखी हुई है, वो इनको नहीं खानी है। इनको खानी है सेम वही बस एक चॉकलेट। तो लेके आते हैं दूध वगैरह, लेके आते हैं सब्जियां, तो मैंने यहीं से ले ली है। अभी आ जाते हैं, मतलब सोसाइटी में ही आते हैं तो मैं वहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब चाहिए होती है, फिर बाद में पता चले बोलना पड़ता है या शाम को खुद जाना पड़ता है। तो कभी कभी क्योंकि विंटर सीजन चल रहा ना, तो बड़ा आलस आ जाता है रात में जाने में यार। मतलब मुझे तो स्पेशली काम करने के बाद फिर लगता है कौन जाए अब मार्केट, ठीक है। तो यहीं से ले लेती हूँ, इसलिए रिस्क नहीं लेती हूँ। तो चलिए होके आते मार्केट, इनको थोड़ा सा घुमा भी लाते हैं 10-15 मिनट रोड पे पूरा चक्कर काट के, फिर लेके आते हैं सामान को। और तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धनिया ली हुई है, इस टाइम सर्दियों की फ्रेश फ्रेश धनिया आ रही है। और यहाँ पे मेथी ले ली है, इसमें मिर्च है, और नीचे इसके बथुआ भी रखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अभी निकाला नहीं है ना हमने, तो ये देखिए इसके नीचे बथुआ भी है। तो एंड ये देखो कहाँ चलते, इतना बड़ा बैग लेके कौन जाएगा मार्केट, क्या लेके आने है। हम तो वेट कर रहे हैं, बट हम ये बैग लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये दादी का है, दादी लेके जाती है, मम्मा नहीं लेके जाने वाली है इसको। हाँ ठीक है, आप होल्ड करना कैप को। यार ये इतना लिया है, मैं भी पहन लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। कोविड की जो है ना कंडीशन फिर से बढ़ती जा रही है, अस्त व्यस्त होती जा रही है। चाबी तो ले ले बेटा, चाबी की, यस लॉक करना पड़ेगा गेट। साइकिल से जाएंगे। हाँ साइकिल से, नहीं 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 बाइक वॉक जाएंगे यार, आखिर सदे नहीं, नहीं साइकिल से नहीं जा सकते बेटा। आरुष वेट फॉर मम्मा, अदरवाइज आई विल नॉट गो। तो गाइस चलो चलते हैं और घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा पार्क में आरुष को खिलाने के लिए। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा खिला लेती हूँ, यहाँ तक आई हूँ तो अभी मैं पार्क में आ गई हूँ। इसको थोड़ा सा स्विंग वगैरह कराते थे, स्लाइड वगैरह बहुत दिन हो गया नहीं गया पार्क में। तो चलिए थोड़ा सा करती हूँ पहले इसके साथ एंजॉय,
और कैमरे को करती हूँ बंद क्योंकि तो गाइज यहाँ पे पार्क में चल रहा है काम, झूले वगैरह की सारी शिफ्टिंग हो रही है ना इधर से उधर, तो कहीं तो गाइज यहाँ पे पार्क में ना काम चल रहा है, पूरा पूरा पार्क खुदा पड़ा है, सब इधर से उधर तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे झूले वगैरह की शिफ्टिंग चल रही है ना, तो ये देखो मंकी कहाँ चढ़ गया, चलो गिरना नहीं बस, ठीक है आराम से आइएगा। ठीक है ओके 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 आई एम कमिंग, आई विल हेल्प, आई विल हेल्प इट, आई विल हेल्प जस्ट Yay! Mama is helping you. Oh my God, butterfly! See? Don't go down the garbage there. No. तो guys हमें घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये देखो butterfly के पीछे भाग रहे हैं। अभी यहाँ पे इतना गंदा है, ईटा विटा सब पड़े हुए हैं ना, तो गिरने के इसके chances बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको घर ले जाते हैं और market से सामान वामान लेते हैं, घर चलते हैं। My God, इतनी सारी butterfly है और butterfly के पीछे रन कर रहे हैं, देखो कैसे दौड़ पड़ पकड़ रहे हैं। ये देख अभी बटरफ्लाई पकड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। अभी आ गए हम घर पे और यहाँ पे लेके आ गए हैं ये 2 लीटर दूध, इन सबको वॉश करते हैं। और यहाँ पे ये ब्रेड है और उसकी चॉकलेट्स हैं और ये एक लेज है और यहाँ पे बनाना है इसमें, हाँ जी, और इसमें है ऑरेंज। ओह व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी। तो इतना सब कुछ लेके आ गए घर पे, अब थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। और ये देखो लिपस्टिक कहाँ से कहाँ लग गई, एंड इसके बाद अब बनाएंगे थोड़ी देर में सरसों का साग, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, तो सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देख सकते हैं बथुआ लिया हुआ है और इसी के नीचे है सरसों का साग और उसके नीचे है पालक, तो इन सबको तीनों को मैंने एक साथ कट करके मिक्स करके रख दिया था। तो अभी फिलहाल अब इनको अच्छे से पहले कर लेते हैं वॉश। इन गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ये जाली वाली में रखा है, इसके बाद यहाँ पे एक और जाली रख दी है और इसको अच्छे से पानी से निचोड़ने के लिए रख दिया। ये इसको 10 से 15 मिनट हो गया रखे हुए, इसका पानी सारा निकल चुका है, मतलब ये अच्छे से निथर गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक कुकर में डाल देते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 गिलास पानी, देख सकते हैं 1 गिलास पानी डाला है इसमें। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, क्योंकि बाकी नमक हमें थोड़ा सा बाद में भी डालना है, तो बस हमने इसमें 1 चम्मच डाला है। और अब इसका लगा देंगे कुकर का ढक्कन और इसको 1 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये कुकर में मैंने 1 सीटी लगा दी और कितना भरा हुआ था ये कुकर, कितना कम रह गया और ये अच्छे से बॉयल भी हो गए, क्योंकि इसमें जानी कितनी होती पत्तियाँ होती हैं। और इसको हम किसी दूसरे बाउल में पलट लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसको मैंने एक बाउल में पलट लिया ठंडा होने के लिए, अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड और ग्राइंड करने के बाद में इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में लिया है, मतलब मैंने 3 गांठ करीब छीली हुई हैं लहसुन की, और यहाँ पे 5 मिर्च ली हुई हैं हरी और काफ़ी तीखी मिर्च है, और एक टुकड़ा लिया हुआ है अदरक का, और इन सब का पहले पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए
इनका पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी, मतलब ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चार टमाटर लिए हैं, इसकी टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत चिकना चिकना सा साग बनना चाहिए प्रॉपर, इस वजह से, और कट करके नहीं डालेंगे यहाँ पे हम। तो कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, और मैं घी का, वैसे आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं, मैं घी का यूज़ यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि घी सर्दियों में जम जाता है, जैसे साग ठंडा होगा वैसे घी उसमें जम जाएगा इसलिए। और उसमें डाल दिया है फाइन चॉप्ड किया हुआ प्याज, और प्याज को भी हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, और इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक एंड रेड ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। एंड गाइस, इसके बाद इस पेस्ट को भी अच्छे से जब तक भूनेंगे, मतलब जिस जब तक इसे कढ़ाई से ऑयल एकदम अलग ना होने लगे, और आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद साग, तो यहाँ पे डाल दिया हल्दी, और उसके बाद डाला यहाँ पे धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले मत डालिएगा एक्सेस में, नहीं तो थोड़ा सा कड़वा वाला टेस्ट आ सकता है। एंड उसके बाद डाल देंगे नमक, नमक पहले भी डाला हुआ है तो बहुत केयरफुली डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए कहीं। और उसके बाद बस इसको भी पहले थोड़ा सा भून लेंगे, जब ये भून जाएगा हल्की सी हल्दी वगैरह, क्योंकि हल्दी भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डालेंगे इसमें टोमेटो प्यूरी, जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी वो, और इसको भी कंटिन्यूसली भूनते रहना है। और मतलब कोई कमी हो तो गाइस आप सब बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, कि मतलब आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, और मुझे जैसा आता है, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी भी बनता है, वैसे मैं अपनी रेसिपी ऑन शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ये भुन चुका है, इससे ऑयल भी अलग हो गया है, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। और सरसों का साग जो मतलब पूरा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया, ठंडा हो गया था ना तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, आप देख सकते हैं कलर देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, ग्रीन एंड ऑरेंज शेड, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी होने वाला है। तो चलिए इसको भून लेते हैं पहले, एंड आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साग भी जितना ज़्यादा पकता है, जितना ज़्यादा धीमी धीमी आंच पे जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, सेम कढ़ी की तरह इसका भी हाल होता है। तो मैंने इसको पहले खूब अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ मक्के का आटा, आप बेसन ले सकते हैं, मक्के का आटा नहीं है तो आपके पास, और यहाँ पे मक्के के आटे को मैंने मतलब पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, और इसमें पानी मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में डालूंगी, क्योंकि मुझे मक्के के आटे को पकाना भी है सरसों के साग में इस वजह से, और पानी नहीं होगा तो ये पकेगा नहीं, और फिर टेक्सचर उसका बहुत ज़्यादा थिक हो जाने वाला है, वैसे मक्के का आटा जब पड़ता है तो थोड़ा ये फूलता है, टेक्सचर थिक करता ही है। और उसके बाद इसको डाल देंगे कढ़ाई में और फिर पकाएंगे इसको भी, मैंने आधा घंटे तक करीब डालने के बाद पकाया हुआ है, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा ये पकता है कच्चा नहीं रहना चाहिए आटा बिल्कुल भी, नहीं तो टेस्ट पूरा चला जाएगा, इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी सरसों के साग के बनाने की आपकी। और होप जो आज की रेसिपी है, वीडियो है, आपको पसंद आएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्स हो गया है अच्छे से, और इसको बस पकाएंगे, और आप देख सकते हैं नाउ इसका टेक्सचर क्या हो गया है, पकते पकते कढ़ाई में कितना कम रह गया है, और इसका परफेक्ट टेक्सचर हो गया जो जैसा मुझे चाहिए। अब बस बारी आ गई है इसमें तड़का देने की, तो इसको मैं एक अलग मतलब किसी बाउल में, भगोने में, किसी में मैं सर्व कर लूँगी, जिसमें भी आप रखना पसंद करते हो उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया है तवा, और उसमें अब यहाँ पे जो तड़का मैं दे रही हूँ वो मैं घी में दूँगी ऊपर से, तो पहले, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इसमें आलू चला गया, तो सुबह आलू का पराठा बनाया था ना, तो घी में मैं बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा गिर गया था, और इसलिए ये फिर इसको निकालना पड़ा मुझे साइड से। अब इसमें डाल देंगे हींग, सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं हींग, उसके बाद डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली, और मैं यहाँ पे लहसुन डालना भूल गई थी, मैंने लहसुन यहाँ पे कट करके रखा था बट डालना भूल गई थी। अब नाउ फाइनली इसमें दे देंगे तड़का, और देख सकते हैं फिर सरसों का साग बनके तैयार हो गया है, यम्मी यम्मी सा। और मक्के की रोटियाँ नहीं शेयर करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, इतना ही नहीं लोग देखते हैं। तो होप मेरी जो आज की रेसिपी है वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ भी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।